अब ये सम बोर्ड में कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। अब क्वेश्चन कॉपी करेंगे। लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू जीरो एक्स प्लस एच टू द पावर फाइव माइनस एक्स टू द पावर फाइव डिवाइडेड बाय एच, ये क्वेश्चन कॉपी किया। अब आप एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करोगे, लिखोगे लेट एक्स प्लस एच इक्वल टू टी, तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी माइनस एक्स, हमने एक्स को इधर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। और एक और चीज, व्हेन लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू जीरो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर एच टेंड्स टू जीरो है देन लिमिट ऑफ टी जो हमने वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया है इट विल टेंड टू एक्स, यानी ये वाला एक्स जो यहाँ पे नंबर है, ठीक है। तो ये हमें लिखना है ऐसे कि अगर हमने टी वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया जो एक्स प्लस एच है, तो एक्स प्लस एच इज इक्वल टू टी हो जाएगा, एच हो जाएगा टी माइनस एक्स, और फिर लिखना है अगर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो है मतलब जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो टी टेंड्स टू एक्स हो जाएगा जो ये वाला एक्स है यहाँ पर जो नंबर है। तो अब हम इसको दोबारा लिखेंगे, अभी एक्स प्लस एच की जगह हम लिखेंगे टी, तो हम ऐसे लिखेंगे टी टू द पावर फाइव माइनस एक्स टू द पावर फाइव, ठीक है। और एच एच क्या है, टी माइनस एक्स, और यहां पे लिखेंगे लिमिट ऑफ टी टेंड्स टू एक्स, ऐसे हम कॉपी करेंगे। अब फॉर लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, मतलब अगर ऐसी सिचुएशन है कि लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए है एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए है, तो उस केस का आंसर होता है एन ए एन माइनस वन। अब यहां पर एन को कंपेयर करें तो एन है फाइव, ठीक है। अगर हम कंपेयर करें एन है फाइव, तो हमने लिख दिया इक्वल टू फाइव, ए है एक्स, तो हमने लिख दिया एक्स एन फाइव माइनस वन, तो उसका आंसर हो गया फाइव एक्स टू द पावर फोर, दैट्स इट। तो हमें इसमें रूल बेस्ड सम है, ये रूल लगा के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमने एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया एक्स प्लस एच इज इक्वल टू टी, तो एच हो जाएगा टी माइनस एक्स, फिर हम लिखेंगे ये सब लिखना जरूरी है, स्टेप्स हैं, स्टेप्स पे मार्क्स होते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू जीरो देन लिमिट ऑफ टी टेंड्स टू एक्स, फिर हमने वही लिमिट ऑफ टी टेंड्स टू एक्स लिखा टी टू द पावर फाइव माइनस एक्स टू द पावर फाइव अपॉन टी माइनस एक्स। अब ये लिखना जरूरी है कि अगर ऐसा होता है कि लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, तो उसका ये आंसर है एन ए एन माइनस वन, तो फिर हमने वैल्यूज पुट कर दी और सॉल्व कर लिया।